आइए बच्चों, एडिशन रिएक्शन का दूसरा पार्ट शुरू करते हैं आज, जिसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जब एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल हमारा पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, तो वो रिएक्शन कहलाती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इन अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स लाइक एल्कीन एंड एल्काइन्स पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज इजीली अवेलेबल। आप जानते हैं बच्चों कि जो हमारे अनसेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, चाहे वो एल्कीन हो या एल्काइन हो, उसमें प्लेन के ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन जो है क्लाउड, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो इजीली घूमता रहता है। इसलिए जब भी इलेक्ट्रोफाइल इससे अटैक करेगा तो रिएक्शन बहुत जल्दी और इजीली होती है। These unsaturated compounds behave as nucleophile Lewis base in addition reactions. लोगों को ये क्लियर नहीं हुआ होगा बच्चों, वो फिगर देख सकते हैं, हमने यहाँ पे इथीन का एग्जाम्पल लिया है। इथीन में आप जानते हैं डबल बॉन्ड होता है, और यहाँ पर एक सिग्मा होगा बच्चों और एक पाई बॉन्ड होगा। क्लियर है आपको, डबल बॉन्ड का मतलब होता है एक सिग्मा और एक पाई। इसको हमने यहाँ पे दिखाया है भाई, तो यहाँ पे देखिए ये सिग्मा बॉन्ड है और ये हमारा पाई बॉन्ड बना है पी ऑर्बिटल की साइड वाइज ओवरलैपिंग से। तो आप देख पा रहे हैं कि कार्बन के प्लेन के ऊपर भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड घूम रहा है और प्लेन के नीचे भी पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। क्लियर है आपको, तो ये हमने दिखाया है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ कार्बन एटम्स। और ये इलेक्ट्रॉन रिच साइट ही बिहेव करती है बच्चों न्यूक्लियोफाइल या लुईस बेस की तरह। पॉसिबल इलेक्ट्रोफाइल्स आर BF3, ALX3, H+, Hg+2, Pt+2 एटसेट्रा। एडिशन रिएक्शंस में जो आप पॉसिबल इलेक्ट्रोफाइल होंगे वो हमारा BF3, ALX3, H+, और सर ये Hg+2, Pt+2 क्यों लिखा है? ये तो मेटल आयन है बच्चों, ये ट्रांजिशन मेटल आयन है। ये वो मेटल आयन है जब इनके डी ऑर्बिटल खाली होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ट्रांजिशन मेटल आयन भी हमारे पॉसिबल इलेक्ट्रो फाइल्स होते हैं। अब एक रिएक्शन से क्लियर करते हैं, ये हमारा सबस्ट्रेट है, ये हमारा रिएजेंट है। तो यहाँ पे हमने रिएजेंट में दो पार्ट दिखाए हैं, एक तरफ ई लिखा है, एक तरफ एन यू लिखा है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन रिच है और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो पाई इलेक्ट्रॉन जो प्लेन के ऊपर और नीचे घूम रहा है वो अटैक करता है बच्चों इलेक्ट्रोफाइल पे, और जब इलेक्ट्रोफाइल पहले ऐड होगा तो ये जो एडिशन हुआ है इसका नाम होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफाइल ने ये एडिशन को स्टार्ट किया, इसलिए ये कहलाता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब बात करेंगे मैकेनिज्म की। जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है बच्चों वो दो स्टेप में होता है। पहला स्टेप है हमारा फॉर्मेशन ऑफ पाई कॉम्प्लेक्स, ये स्टेप हमारा स्लो स्टेप होता है। ये हमारा सबस्ट्रेट है, आप देख पा रहे हैं हमने एल्कीन लिया हुआ है, एल्कीन के साथ में हमारा इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक साइट की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच साइट की तरह बिहेव करेगा, और ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा इलेक्ट्रोफाइल को बॉन्ड बनाने के लिए। आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के पास पहुंचेगा तो वो बनाता है यहाँ पर पाई कॉम्प्लेक्स। पाई कॉम्प्लेक्स जो होता है यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट शो करता है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रोकन लाइन के साथ में ये ट्रांजिशन स्टेट शो कर रहा है कि यहाँ पर ये बॉन्ड जो है इमेजिनरी है, ये बना नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पाई बॉन्ड भी पार्शियल है और ये सिंगल बॉन्ड भी पार्शियल है, और इलेक्ट्रोफाइल और कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्मेशन पूरा होता है और एक कार्बन जो है वो उसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट होती है, इनसफिशियंट होती है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। और कभी कभी अगर आपके इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर होता है तो ये थ्री मेंबर्ड कैटायन भी बनता है, जिसमें ये इलेक्ट्रोफाइल अपने लोन पेयर जो होगा वो इस कार्बन को दे देगा और यहाँ पे बॉन्डिंग करेगा, तो ऐसा बनेगा हमारा थ्री मेंबर्ड कैटायन। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपके इलेक्ट्रोफाइल के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, अगर नहीं है तो यहीं पर रुक जाएगा और होगा तो ये यहाँ तक जाएगा। क्लियर हुआ आपको पहला स्टेप। अब लेते हैं दूसरा स्टेप, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू द कार्बोकैटायन। बच्चों ये स्टेप जो है हमारा फास्ट स्टेप होता है। ये पहले स्टेप में बना हमारा कार्बोकैटायन है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है, ये हमारा रिएजेंट से आया है, आपको ध्यान होगा। तो ये रिएजेंट जो न्यूक्लियोफाइल है
ये हमारा इस कार्बोकोटाइनिक साइट पे अटैक कर देगा, रिएक्शन फास्टली होगा क्योंकि यहाँ पे कम्प्लीटली आयंस जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट शो कर रहा है, ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट 2 कहलाएगा जो कि हम लोग ग्राफ में देखेंगे बच्चों। और इस तरह ये स्टेप बहुत फास्ट होता है और ये बॉन्ड जो है अभी बना नहीं है क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट है, इंटरमीडिएट स्टेट है, और ये फाइनली बॉन्ड बन जाता है तो प्रोडक्ट हमें कुछ ऐसा मिलेगा हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बाद। अब डिस्कस करते हैं बच्चों एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आप देख रहे हैं हमने सबस्ट्रेट में यहाँ पे एल्केन लिया है और उसका रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग रिएजेंट के साथ में। इलेक्ट्रोफाइल जो है वो सबसे पहले हमारा पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे ऐड होगा जिससे हमारा TS1 बनता है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर TS1 बनाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है, ये स्टेप हमारा स्लो होता है और TS1 में हमारी बनती है इंटरमीडिएट स्टेट कैटायन स्टेट, वो आपको हमने स्टेप वन में मैकेनिज्म में क्लियर किया था। उसके बाद हमारा TS2 बनता है, TS2 की जो एनर्जी होती है वो TS1 से कम होती है। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होने लगता है न्यूक्लियोफाइल का एज पर मैकेनिज्म, और एनर्जी जो है वो लूज होने लगती है, एनर्जी कम होने लगती है और ये फाइनली कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो सबस्ट्रेट एल्कीन से काफ़ी कम है। ये स्टार्टिंग में डिस्कस किए हुए कंसेप्ट को हमारे क्लियर करता है। आपने कहा था कि सबस्ट्रेट जो होता है वहां पर sp2 या sp अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो उसकी एनर्जी हाई होती है और वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बाद sp3 हाइब्रिडाइज प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है जिसको सपोर्ट करता है हमारा थर्मोडायनेमिक फैक्टर। तो एज पर थर्मोडायनेमिक फैक्टर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को फेवर कर रहा है यहां पर, क्योंकि यहां पर प्रोडक्ट की एनर्जी सबस्ट्रेट से कम है। होपफुली बच्चों सबको क्लियर हुआ होगा, फिर भी कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।